और 5 किलो चावल देने का तय किया कि नहीं किया, 1 किलो दाल देने का तय किया कि नहीं किया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि नहीं कि अगले 5 साल तक ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मिलता रहेगा। लेकिन आपके भूपेश बघेल यहां उसको ठीक से बटने नहीं देता है। ऐसी सरकार को रहने देना क्या? अब आपने ऊपर मोदी जी और यहां हरिश्चंद्र सीधा अनाज आप तक पहुंचे और ढंग से पहुंचे इसकी आपको व्यवस्था करनी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 30 लाख लोगों को, ये पीएम साहब सीधे 30 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपए हर चौथे महीने डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डाल रहे हैं ना, हर चौथे महीने। आज 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि में मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना हमने तय किया है, आप हरिश्चंद्र को भेजेंगे, हमारी सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में हम तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में 18 लाख पक्के मकान बना कर देंगे। लेकिन ये भी याद रखो कि मोदी जी ने आपको 14 लाख मकान भेजे थे और 12 लाख मकान भूपेश बघेल ने बनने नहीं दिए, बीच में रोड़ा रहा। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? 12 लाख मकान वापस हुए। ऐसी सरकार रहने देनी है क्या? इसलिए उनको भेजना जरूरी है, हरिश्चंद्र को लाना जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूं, आयुष्मान भारत, हम लगभग 1,80,00,000 को छत्तीसगढ़ में, और 1,80,00,000 कौन है? रेड़ी वाला, पेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बाल काटने वाला, ठेला चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का उनको आर्थिक मदद दी है। और अब जब आप हरिश्चंद्र को भेजोगे तो हमारी सरकार जब बनेगी तो अब हम हर साल 10 लाख रुपए आपको भेजेंगे। इसलिए मित्रों, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं आपके सामने बोलना चाहूंगा कि हमारे ट्राइबल भाई यहां बैठे हैं, आपका बजट मोदी जी ने दुगना कर दिया है और शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट, ट्राइब कंपोनेंट का बजट तिगुना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। एकलव्य विद्यालय का बजट 22 गुना कर दिया गया है और ट्राइबल विद्यार्थी के स्कॉलरशिप का 2.5 गुना कर दिया गया है। इस तरीके से विकास हुआ है। हम लोगों ने तय किया है कि कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति हेक्टेयर को 21 क्विंटल की 3100 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी, इसको भी याद, और बारदाना की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों को जो तेंदू पत्ता इकट्ठा करते हैं उनको प्रति मानक बोरा पर 5,500 रुपए दिया जाएगा और इकट्ठा करने वाले को 4,500 का बोनस दिया जाएगा। साथ में चरण पादुका योजना फिर से चलाई जाएगी और चरण पादुका भी उनको दी जाएगी। उसी तरीके से महतारी वंदन योजना में हर माता को जो विवाहित है उनको हम 12,000 रुपए साल का देंगे उनके विकास। उसी तरीके से हम 1 लाख नौजवान, सुन ले, 2 चीजें करेंगे। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन को हम पारदर्शी बनाएंगे और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनको जेल के पीछे डालेंगे, और 1 लाख सरकारी नौकरी 5 साल के अंदर लगाएंगे, हमारे नौजवानों को 1 लाख मिलेगा। और उसी तरीके से जैसा मैंने कहा 18 लाख घर हम लेंगे, उसी तरीके से जो भूमिहीन किसान है उसको साल का
10,000 रुपए देने की हम व्यवस्था करेंगे। यहाँ ये भी हम बताना चाहेंगे कि बीपीएल के जो गरीबी की रेखा से नीचे के बच्चे बच्चियां हैं, उनको हम 1.5 लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देंगे और उनके 1.5 लाख रुपए उनके खाते में होगा। इस बात को भी हमको याद रखना है। और इसी तरीके से एलपीजी का गैस का सिलेंडर अब आपको 500 रुपए में देंगे, ये भी हम याद रखेंगे। अब मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जब मैं यहां पर आया कि जब मैं हरीश राठिया जी की स्कीम की बात कर रहा हूं, तो ये भी बताना चाहूंगा कि नेशनल हेल्थ मिशन में आपके क्षेत्र को 300 करोड़ रुपए मोदी जी ने सिर्फ स्वास्थ्य के लिए भेजा है। धर्म जयगढ़ के कॉलेज को बनाने के लिए, नई बिल्डिंग के लिए, उसके लिए भी पैसा भेजा था। उसी तरीके से हमारे घरघोड़ा कॉलेज के लिए भी भाजपा सरकार ने इसको खोला था। और उसी तरीके से धर्म जयगढ़ के 22 गांव में मोदी सरकार द्वारा एकलव्य स्कूल भी खोला गया है। और इसी तरीके से हर दृष्टि से आगे बढ़ने का काम किया गया है। हमारे हरिश्चंद्र राठी जी ये पहले वार्ड में, पंचायत में भी रहे, ब्लॉक में भी रहे, जिला परिषद में भी रहे और विधानसभा की ओर जा रहे, 3 स्तरीय पर काम किया है। और ये पंच, सरपंच, सभापति का दायित्व तो निर्वहन करने के बाद और रायगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के महामंत्री के रूप में भी आपने काम किया है। एकदम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सरल स्वभाव के आदमी हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं। बताइए इनको आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पीछे आवाज आए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? विकास होगा ना? लूट की सरकार जाएगी ना? फरेब की सरकार जाएगी ना? भ्रष्टाचारियों की सरकार जाएगी ना? ईमानदार स्वच्छ भाजपा की सरकार आएगी? आएगी ना? आएगी ना? 17 तारीख को कमल खिलाइए, अपना भविष्य को आगे उज्जवल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय सत्य। अंत में आभार प्रदर्शन